सूर्योदय के समय जो अंधकार इस धरती से भाग खड़ा होता है और घने वनों और गुफाओं में जाकर छुपता है, वही अंधकार सूर्यास्त का समय निकट आते ही फिर से अपना सिर उठाने लगता है और सूर्यास्त होने के साथ ही इस धरती पर फिर से अपना अधिकार जमा लेता है। यही शत्रु का भी चरित्र होता है। वो अपने शक्तिशाली विरोधी से युद्ध में हार कर रण क्षेत्र से भाग तो अवश्य जाता है, परंतु अपने विरोधी को निश्चिंत पाते ही फिर से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण कर देते।